हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आ गए हैं हम एक नई बाइक को लेकर, जो कि हीरो की तरफ से आती है, मोस्ट पॉपुलर एंड सेलिंग बाइक। ये रह चुकी है पहले एक लीजेंड बाइक हुआ करती थी, बट यहाँ पे मार्केट में काफ़ी लंबे समय के बाद ये हमें देखने को मिली है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ हीरो की करिश्मा XMR का। तो इसका क्या प्राइस यहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं, तो पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ जरूर जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका लुक देख सकते हैं भाई साहब, काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ हमें देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी भरकम बाइक यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और इसके अगर मैं और अदर चीज़ों की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें तीन हमें कलर वेरिएंट हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जो इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हमें देखने को मिल जाती है, 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। 810 mm का जो सीट हाइट हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं इसके बात करूँ यहाँ पे फ्रंट लुक की, तो फ्रंट से काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ हमें देखने को मिलती है। हेडलाइट वगैरह का सेटअप भी आप देख सकते हैं इसमें। वहीं अगर मैं इसके मीटर कंसोल की बात करूं, तो यहाँ पे फुली डिजिटल मीटर का हमें सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको मोबाइल से इजीली कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न इसमें नेविगेशन देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होने वाला है। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। टायर साइज की बात करूँ, तो यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे 180/17 का यहाँ पे फ्रंट में ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। रियर की बात करूँ, तो यहाँ पे 140/70/17 का यहाँ पे रियर में ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। इंजन की कैपेसिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ हमें देखने को मिलती है। और वहीं अगर मैं इसके पावर और टॉर्क की बात करूँ, तो यहाँ पे 25 BHP की पावर जो हमें मिलती है 9,250 RPM पर, और 20 Nm का टॉर्क यहाँ पे 7,250 RPM पर हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पावर और टॉर्क के मामले में काफ़ी यहाँ पे ये आगे निकल जाती है अदर बाइकें जो भी इसके कॉम्पिटिटर में आती हैं। जैसे कि R15 को ही आप ले लीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर और टॉर्क हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है, जैसा कि काफ़ी लंबे समय के बाद ये हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से चेंजेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। लुक वाइज आपको ये कैसी लग रही है आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। स्प्लिट सीट के साथ हमें देखने को मिलती है। वहीं ऑल ओवर अगर मैं इसके कर्व वेट की बात करूँ, तो 168 kg ऑल ओवर इसका कर्व वेट हमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर बैलेंस किया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सही देखने को मिल जाती हैं। डुअल डिस्क के साथ हमें देखने को मिलती है। फ्रंट में 300 mm का जो डिस्क प्लेट हमें देखने को मिल जाता है। रियर की बात करूँ, तो यहाँ पे रियर में 230 mm का डिस्क प्लेट हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो यहाँ पे डुअल चैनल ABS का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डुअल चैनल ABS का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। तो प्राइस भी इसका ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं प्राइस जो इसका है वो मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और मैं इसके लुक की बात करूँ, तो काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ हमें देखने को मिलती है। फ्रंट में LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर भी यहाँ पे स्पोर्ट्सी लुक वाले यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लस पॉइंट होने वाला है। टायर का जो साइज़ है ये भी काफ़ी चौड़े टायर हमें देखने को मिलते हैं। 17 inches के फ्रंट और रियर में अलॉय व्हील हमें देखने को मिल जाते हैं। तो माइलेज की बात करें यहाँ पे, तो माइलेज यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगा 35 से 40 तक, या फिर 30 से 35 तक आप इसको आराम से मान सकते हैं, क्योंकि हैवी CC की बाइक है, तो थोड़ा बहुत माइलेज यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। बट अगर आपकी राइडिंग स्किल अच्छी है, अगर आप सही से बाइक चलाते हैं, तो आपको ज़्यादा माइलेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लिक्विड कूल्ड इंजन हमें इसमें देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। 4-stroke 4-valve वाला लिक्विड कूल्ड इंजन हमें देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। तो आपको ये बाइक कैसी लग रही है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वहीं अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर में R15 की बात करूँ, तो उसमें भी इतना हमें पावर और टॉर्क देखने को नहीं मिलता, बट वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे मार्केट में है, तो उसका नेम फेम ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे करिश्मा XMR यहाँ पे नई आई हुई है। हालांकि बात करें पहले की, तो पहले की बात कुछ और थी, और यहाँ पे अगर नई बाइकें आ रही हैं तो ज़्यादा उसको चेंजेस लाना पड़ेगा। 3 कलर वेरियंट में हमें देखने को मिलती है। और बाइकों का भी डिटेल में रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पर, ऑलरेडी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आ रही हैं बाइक से रिलेटेड वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो यही था फ्रेंड आज की इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।